हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबह मॉल चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बोलते हैं कि मुझे लेमन सूट नहीं करता है, मुझे जिंजर सूट नहीं करती है, या मैं मॉर्निंग ड्रिंक इसी वजह से नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सूट करती हैं। और रही बात कि अगर आप हॉट वाटर सिर्फ लेते हो तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, और मतलब सबका, कुछ लोगों का रीज़न यही है कि इस वजह से वो मॉर्निंग ड्रिंक नहीं ले पाते और प्लेन वाटर लेते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि जिसके थ्रू आप मॉर्निंग ड्रिंक तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ आपका जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो बहुत दूर होगा। जिसका वेट स्टे कर गया, यानी जिसका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आप चाहे लेमन वाटर लो, डाइट लो, कुछ भी लो, ये उसको भी बहुत अच्छे से करेगा। बॉडी से आपको जितना भी, अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, आपको ब्लड की कमी है, ये उसको भी दूर करेगा। हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा। थायराइड पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। और इन गर्मियों में सबसे मेन जो चीज़ है वो है आपका डाइजेशन, यानी डाइजेशन इम्प्रूव करना सबसे बड़ी बात है। और ये ड्रिंक आपकी ऑल इन वन सोल्यूशन है। और अगर आपने इसको पिया तो आई थिंक आपको भूख बहुत कम लगेगी, आप जंक फूड से काफ़ी दूर दूरी बनाए रखोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस ड्रिंक को लेने में। और बहुत ही इफेक्टिव है, मैंने भी इसे मतलब मैं पहले मैं लिया था इसको, आई थिंक 10-15 दिन लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला। दैन उसके बाद मुझे ये मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ, फिर जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। फिर मैं भी 2-3 दिन पहले मार्केट में गई और मुझे दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसे दिखाऊं कि मतलब कि इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसे मैंने पहले लिया हुआ है और जिसे ये मुझे अवेलेबल नहीं हुआ, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन मुझे ये जब अवेलेबल हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया जाए। एक बार ट्राई करना जरूर बनता है। जिनको भी लेमन सूट, मतलब जिनको सूट करता है, नहीं सूट करता, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को लेमन नहीं सूट करता है, तो काफ़ी अच्छा है, पूरी बॉडी क्लींस होगी। जिनको भी जैसे कहते हैं कि ब्लड में प्यूरीफायर नहीं होता है, कुछ लोग साफ ही पीते हैं, उसके लिए कुछ लोग कुछ पीते हैं, लेकिन ये ब्लड प्यूरीफायर है, आपको एनीमिक नहीं होने देगा, ब्लड का जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, वेट बहुत तेजी से लॉस होगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है वार्म वाटर 1 ग्लास, एंड मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वीट ग्रास पाउडर की, पतंजलि की, 100% वेजिटेरियन है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और हो सकेगा तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मेरा खुद का ख़रीदा है, हर जो है ऐसा नहीं है कि मुझे हर कंपनी स्पॉन्सर करती है या कुछ भी है, मैंने खुद के पैसों से मंगाया है। और इसको मैंने पहले भी लिया हुआ है, लेकिन इस ड्रिंक को मैं सोच रही थी थोड़े दिन लेमन वाटर को थोड़े दिन छोड़ के इस पे आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ को आपको चेंज करते रहना चाहिए। और गर्मियाँ बहुत हैं, डाइजेशन को अच्छे रखने के लिए आपको इस समय हर चीज़ कोशिश करनी है। और आई थिंक गेहूँ ज्वारा पाउडर है, इससे अच्छा आपके डाइजेशन को कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता है, तो ये वीट ग्रास पाउडर है। तो जस्ट आपको इसको क्या करना है, तो आपको 1 टेबल स्पून इसको लेना है। देखिए, शुरुआत में जब आप फर्स्ट डे पियोगे तो हो सकता है आपको ये चीज़ ना अच्छी लगे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, जब 1-2 दिन आप पियोगे काफ़ी टेस्टी लगेगा, अच्छा लगेगा। इसका टेस्ट को इन्हेंस करने के आप इसमें हनी ऐड कर सकते हो और इसको पीजिए, और इसका जो इफ़ेक्ट है काफ़ी अच्छा है। 15 दिन पीजिए और देखिए कि आपका डाइजेशन कितना अच्छा इम्प्रूव होता है। जो लोग भी एनीमिक हैं उनको एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन लोगों का वेट रुक गया है, यानी कि अब वेट बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है, उनको काफ़ी इफेक्ट करेगा। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या चीज़ें इसके कितने बेनिफिट्स हैं। और थायराइड पेशेंट ऑफ कोर्स ले सकते हैं, हॉर्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, और आपकी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी है, अगर आपको सूजन की प्रॉब्लम रहती है तो उसको भी ये दूर करता है। तो एक बार इसको ट्राई करिए, सच में बहुत अच्छी चीज़ है, और सिप सिप करके पीजिए आराम से आप। उसके इसके 15 मिनट बाद आप अपनी नॉर्मल टी ले सकते हो। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है इस चीज़ को, कि आप एक बार ट्राई करिए। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको खाली पेट ही लेना है। अगर आपने कुछ खाने के बाद इसे लिया तो आपको वोमिटिंग हो जाएगी, तो इसलिए ये कोशिश करिए कि आप इसे खाली पेट ही लीजिए। इस ड्रिंक को बनाना कितना आसान है, मार्केट में इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है और कहीं भी आपको मिल जाएगा, मेडिकल शॉप में मुझे बीच में नहीं मिला था किन्हीं कारणों से, लेकिन अब ये इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है, पतंजलि में अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल है।
एक बार ट्राई करिए और इसका रिव्यू जैसा भी हो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।